सीतापुर हरगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने गए युवक की गोली मारकर निर्मम तरह से हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही परिजनों ने पहुंचकर देखा तो तौसिफ की मौत हो चुकी थी। गांव की ही रहने वाली अपनी प्रेमिका से उसके फोन कॉल पर मिलने उसके घर गया था। देर रात में पहुंचे प्रेमी की आहट पाकर परिजनों की नींद खुल गई और तौसिफ को पकड़कर पहले उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद उसको गर्दन के नीचे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रेमिका के परिजनों ने शव को गांव के बाहर फेंक दिया। बताते हैं उक्त मामले की सूचना प्रेमिका ने मृतक प्रेमी के परिजनों को दी। हत्या की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच पड़ताल में लग गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। कल हमारे हस्बैंड अकेले थे घर में पहली बार। उसका फोन आया उस लड़की का, उसने बुलाया होगा, बुलाया उसने, वो चले गए उनके गोली मार। इस लड़की का फोन आया था, नाम बताइए। पुलिस की लड़की सुहाना। नहीं तो क्या इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था क्या? था? इनके फोन से फोन पे बात होती थी। उसने फोन आया शादी के छठे दिन से, हमारे फोन पे भी आता था फोन। उसने कहा कि हम तौसिफ को बर्बाद कर देंगे, मार देंगे। कितने दिन शादी के हो गए? छठा साल चल रहा है। नहीं, छह साल हो गए हैं, तब से लगातार जो है इनका जो है उधर प्रेम प्रसंग चल रहा था। गाँव में फायरिंग द्वारा एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की सूचना पर थानारगांव पुलिस मौके पहुंची। जांच एवं पूछताछ के क्रम में व्यक्ति का नाम तौसिफ था, 29 वर्ष, जिसका उसी गांव के एक युवती से अवैध संबंध था। युवती से मृतक के बात करने और मिलने पर युवती के परिजन नाराज रहते थे। बीती रात मृतक युवती से जब मिलने पहुंचा, उसके घर के लोग नाराज थे और उसी क्रम में उन्होंने उस युवक को देखा और उसको फायर करके उसकी हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची, छानबीन करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्सिडीज भिजवा दी है। तहरीर प्राप्त हो गया है, विधि कार्रवाई किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से कई टीमें गठित कर दी गई हैं और दबिश इत्यादि दिया जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।